students, welcome to virtual class of Municipal Corporation of Greater Mumbai Education Department. I am Mrs. Akshita Kale and today we will learn English. Come on students, let us begin our lesson. Subject is English of standard first. And name of the lesson is Tommy is lost. Dear children, this is a small story. In this story, there is a boy and his pet, that is a dog. Okay, here Tommy means the name of this dog. Tommy is lost. Lost means gum jana. Tommy is lost means Tommy gum gaya. Okay? Now we will go through this story. See, dear children, this story is on page number 73 and 74. Okay, this is a small story. Here you can see the story is along with the pictures, right? Okay, we will go through the story along with the pictures. Tommy is lost. Listen and read. You know that listen, sunna hai. And read, padhna hai. First we have to listen, then to read. Okay? Once there was a boy. See here, once there was a boy. Ek ladka tha. His name was Joy. Word, okay? ये लड़की का नाम जॉय था. जॉय हैड अ डॉग. जॉय के पास एक डॉग था. द डॉग्स नेम वॉज टॉमी. डॉग का नाम क्या था? टॉमी था. Joy liked Tommy very much. You know the meaning? Joy liked Tommy very much. उसको Tommy बहुत बहुत पसंद होता था. Joy said, "Come, Tommy, let's go for a walk." What Joy said? Joy said, "Come, Tommy, let's go for a walk." Means, Tommy, हम दोनों मिलके walking पे जाते हैं. Okay? It is very hot. See, it is very hot. Now here, बहुत गर्मी है. So, we will go to the pond. किधर जाएंगे हम लोग? Pond के पास जाएंगे. छोटा सा तालाब रहता है ना, pond बोलते हैं ना, उधर जाएंगे. Once again you see here, Joy said, "Come, Tommy, let's go for a walk. It is very hot. We will go to the pond." चलो हम लोग पॉन्ड के पास चलते हैं. जॉय एंड टॉमी बिगन टू वॉक. चले दोनों पॉन्ड के पास. द पॉन्ड वॉज इनसाइड अ फॉरेस्ट.
पॉन्ड किधर था? फॉरेस्ट में था, जंगल में था. ओके, द पॉन्ड वॉज इन साइड, आई एन इन एस आई डी ई, दोनों मिला के इन साइड अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मीन्स जंगल. Suddenly, Tommy saw a fox passing by. Yes, suddenly means अचानक. Tommy saw a fox passing by. Tommy ने क्या देखा? Fox को देखा. Tommy ran after the fox. वो उसके पीछे दौड़ने लगा. देखो इधर, राइट. देन स्टॉप स्टॉप टॉमी स्टॉप, शाउटेड जॉय. जॉय ने जोर जोर से शाउट किया, चिल्लाया स्टॉप टॉमी स्टॉप करके. ओके, बट टॉमी डिड नॉट स्टॉप. टॉमी स्टॉप किया क्या? टॉमी ने, टॉमी रुक गया क्या? नो, ही डिड नॉट स्टॉप. वो फॉक्स के पीछे निकल गया. ही रैन आफ्टर फॉक्स. ओके, देन व्हाट हैपेंड? जॉय रैन आफ्टर टॉमी, बट ही कुड नॉट कैच टॉमी. जॉय किधर गया अभी? जॉय रैन आफ्टर टॉमी, टॉमी के पीछे भागा. बट क्या हो गया? ही कुड नॉट कैच टॉमी, बट वो उनको पकड़ न पाया, वो निकल गए थे. ही बिकेम डिसअपॉइंटेड. ओ टॉमी इज लॉस्ट, क्राइड जॉय. जॉय सैट on a stone and sobbed. तभी क्या हो गया? वो टॉमी मेरा घूम गया करके वो जॉय रोने लगा. Crying means रोना. Joy cried. Then Joy sat on a stone and sobbed. Means वो एक पत्थर था. Stone means पत्थर. Stone के ऊपर बैठ के सोबिंग करने लगा. मीन्स जोर जोर से आवाज निकल के रोने लगा. मेरा टॉम गया, मेरा टॉम गया, हाँ करके जोर जोर से वो रोने लगा. सोबिंग बोला तो क्राइंग नॉइजीली. ओके, टॉम इज गॉन and I am lost. Tommy is gone and I am lost. करके जोर जोर से वो रोने लगा. What will I do? He cried. अभी मैं क्या करूँ? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है. मेरा टॉमी भी गया, मुझे मैं किधर हूँ वो भी नहीं पता चल रहा है. क्योंकि वो टॉमी के पीछे भागा था ना, सो उसको रास्ता मालूम नहीं पड़ा. भी वापस कैसा जाऊं? मैं भी घूम गया, मेरा टॉमी भी घूम गया. अरे बाबा मैं अभी क्या करूं? सो ही क्राइड लाउडली. देन जॉय सॉ टॉमी कमिंग बैक सून. उसने क्या देखा? टॉमी वापस आ रहा है. क्या हो गया? बहुत बहुत खुश हो गया. एंड जॉय हग्ड टॉमी एंड क्राइड इन जॉय. बहुत खुश हुआ, वो उठ के भाग के आया टॉमी के पास और टॉमी को हग किया एंड क्राइड इन जॉय. अभी कैसा क्राई किया उसने? खुशी के आंसू निकले, राइट. बहुत खुश हो गया वो टॉमी को देख के. बट अभी भी परेशान था. आई एम स्टिल लॉस्ट,
But I have you, he said. मैं अभी भी परेशान हूँ, अभी भी मैं घूम गया हूँ. But मेरे पास तुम हो, करके उसने अपने टॉमी को बोला. See here, I am still lost. अब तक मैं घूमा ही हूँ. But I have you. But मेरे पास तुम हो. He said. He means here Joy. Okay? Joy said. Don't worry, Joy. I know the way. Said Tommy. But Tommy ने तभी क्या बोला? Don't worry, Joy. परेशान मत होना, Joy. मुझे रास्ता पता है. We will go. He said. Okay? चलो हम लोग घर पे निकलेंगे. ऐसा करके वो दोनों घर के लिए निकले. And Tommy and Joy reached home safely. और दोनों अपने घर के पास safely आ गए. सुरक्षित. Safe means अच्छे से, सुरक्षित से वो safely आ गए, अपने घर पहुंच गए. Yes, कैसी थी स्टोरी? How was the story? Very short story, but nice story, isn't it? Right? Very good. Now, dear children, we will move to the exercise part of this story. Now, here, find the rhyming words from the story. Yes, you know what are the rhyming words? Rhyming words, they are similar in sounds. Correct? Okay. Here I will write the rhyming words and we have to find the rhyming words for these words from the story. See, there are 5 words are given. Okay. We will go through first one. Box. Yes, you can open your textbook, page number 73-74. See here, the rhyming word for box from the story, it is, yes, come on, tell me, fox. Very good. Box, fox. Right? Next one, pot. Come on, tell me, what is there in the story? Pot, hot, right? He said it is very hot, correct? Next, say, yes, say, way, right? It is there in the story. Boy, where is he? Boy, joy. Correct. Last one, pan, P-A-N, pan. The rhyming word for pan is ran. Right? Very good. Next is, answer the following questions. Okay? First one, the question is, who was Joy? Yes, you know, right? Answer, how to write? Joy was a boy. Okay? Joy was a boy. Next question, whom did Joy like very much? Kisko bahut pasand karta tha? You know, Joy liked Tommy very much. Right? Joy liked Tommy very much. Next question. Third one. Whom did Tommy see coming? Kisko dekha Tommy ne? Answer. Tommy saw fox coming, right?
उसने फॉक्स को देखा, राइट। नेक्स्ट, व्हाई डिड जॉय क्राई, वो क्यों रोने लगा। आंसर, जॉय क्राइड बिकॉज ही थॉट दैट ही लॉस्ट हिज टॉमी, वो टॉमी घूम गया करके रोने लगा, करेक्ट। जॉय क्राइड बिकॉज ही थॉट दैट ही लॉस्ट हिज टॉमी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड लीड जॉय होम, यह LEAD लीड मीन्स किसने आते वक्त रास्ता दिखाया जॉय को, ओके। हु डिड लीड जॉय होम, आंसर यू नो दैट टॉमी लेड जॉय होम, किसने दिखाया, टॉमी ने दिखाया, राइट। नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट जॉय एंड टॉमी आर बेस्ट फ्रेंड्स, यस अगेन वी विल रीड दिस, डू यू थिंक दैट जॉय एंड टॉमी आर बेस्ट फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि जॉय एंड टॉमी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, हाँ यस बोला तो, व्हाई, क्यों क्यों ऐसा लगता है आपको, व्हाई, यस यू नो दैट दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, करेक्ट, सो वी राइट यस, बिकॉज क्योंकि दे केयर फॉर ईच अदर, राइट, दोनों को एक के दूसरे के बारे में दोनों केयर करते हैं, सोचते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, राइट, ओके। वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स, दीज आर आल्सो फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। First, we will write all the fill-ups. Okay. Now, we will try to fill this. Joy liked dash very much. Come on. These are from the textbook. And you will get the answer directly here. See, this is third line. फोर्थ लाइन, जॉय लाइक्ड टॉमी वेरी मच, राइट। नेक्स्ट वन इज जॉय एंड टॉमी बिगैन टू डैश, दोनों मिलके क्या किए, बिगैन टू वॉक, राइट। नेक्स्ट, टॉमी सॉ अ डैश पासिंग बाय, Tommy saw a fox passing by. Last one, and Tommy and Joy reached dash safely. Kidhar pahunche wo log? Safely home, right? Tommy and Joy reached home safely. Last one, right? A few lines on your favorite pet. आपका भी कौन सा pet रहेगा favorite, right? You have to write few lines. दो चार line लिखने हैं उस pet के बारे में. Okay? I will give you one example. I have a pet. मेरे पास एक pet है. I have a pet, okay, she is a cat, वो कौन है, cat है, see here, this is my pet, she is a cat, okay, next we can write, her name is pussy, उसका नाम बोलेंगे हम लोग अभी, her name is pussy, okay, pussy plays with me, वो मेरे साथ
से खेलती है. पुसी प्लेज विथ मी. आई लाइक पुसी वेरी मच. मुझे मेरी पुसी बहुत पसंद है. आई लाइक पुसी वेरी मच. ओके डियर चिल्ड्रन, लाइक दिस यू ऑल्सो राइट फ्यू लाइन्स ऑन योर फेवरेट पेट. इट मे बी अ पैरेट, डॉग, रैबिट, व्हाटएवर. ओके, यस, हियर इज वन मोर पेट. थैंक यू डियर चिल्ड्रन. यस, प्लीज रीड दिस लेसन 2 to 3 टाइम्स. ओके, टेक केयर. Thank you very much for being a part of this lesson. Please subscribe to our channel and press bell icon to get new updated videos.